बिहार सरकार के मद्य निषेध मंत्री रत्नेश सदा ने तेजस्वी की यात्रा को लेकर तंज कसते हुए कहा कि तेजस्वी यात्रा नहीं, मौज मस्ती करने जा रहे हैं। समस्या का सवाल पूछने वाले जगह नहीं जाते हैं, मस्ती करने के लिए विदेश चले जाते हैं। ये फीडबैक यात्रा नहीं, मस्ती और बकवास करने वाली यात्रा है। कबीर की वाणी है, पानी बीच मिन प्यासी मोहे तुम क्यों दावत हम। जिस फीडबैक को लेने के लिए चला है, जनता की मुद्दा उठानी चाहिए, जनता की बात को रखनी चाहिए। बिहार विधानसभा में जिस जनता ने उसको दायित्व दिया अपनी समस्या के उठाने के लिए, जब उस समस्या के उठाने की बारी आते हैं तो भाग जाते हैं देश विदेश टूर करने के लिए, मस्ती करने के लिए। अब जो गए हैं वो जा रहे हैं 10 तारीख को, उसकी बात को नकार चुकी है जनता, कोई उसको रिस्पांस नहीं मिलेगा बिहार की जनता। गंभीरता से यात्रा होगी या घूमने के लिए निकले हैं, कोई ये भी एक तरह से छुट्टी मना, मस्ती करने घूमने निकले हैं, बकवास करने के लिए चले हैं। देखें आज पेपर में दिया है, बैज लगाइए, हरा टोपी पहनिए, गमछा रखिए या नहीं रखिए लेकिन टोपी पहनिए। ये सब बकवास है, जनता के दिल में बसा हुआ नीतीश कुमार। वहीं इस दौरान शीला मंडल पर तेजस्वी यादव पर हमला बोलते हुए कहा कि उनको अपने गिरिबाह में झांक कर देखना चाहिए। वहीं यात्रा को लेकर मंत्री ने कहा कि अच्छी बात है यात्रा पर निकले हैं। देखिए वो उनका काम है, विपक्ष के नेता हैं, उनको बोलने में कोई किसी का परहेज नहीं है। क्या बोलते हैं, पहले आदमी को अपने गिरेबान में झांक करके देखना चाहिए। हम लोग, हमारे नेता न किसी को बचाते हैं न किसी को फंसाते हैं। निरंतर बिहार में जो पहले की स्थिति क्या थी, आप भी बिहार के वासी हैं न जी, आपको भी पता होगा ना कि बिहार में कैसा परिस्थिति था। आज का परिस्थिति में देखिए ना, बेटियां सब पत्रकार बन के घूम रही है, खुलेआम घूम रही है। सब किसका देन है, नीतीश कुमार जी का ना। तो ये लोग बोलते हैं अपने बोलने का काम। तेजस्वी अपने कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए कि हरा टोपी हरा गमछी लेकर चलिए। अरे वो हरा गमछी की बात करते हैं, हम लोग हरा कपड़ा अपना पार्टी का हरा कपड़ा पहन के सावन में हम कमरे लेके गए थे, तो कौन बात हुआ अपना, जिसको जो मन है पहनता है, उसमें कौन दिक्कत। निकल रहे हैं पूरे बिहार को जोड़ने के लिए, फीडबैक लेने के लिए तेजस्वी प्रसाद यात्रा पूरे बिहार में यात्रा करेंगे 10 तारीख से। हाँ तो यात्रा करने निकली, अच्छी बात है, अपना सब लोग अपने अपने के लिए काम कर रहे थे। वहीं पटना में डीजल चलती बस के परिचालन पर रोक 10 सितंबर तक स्थगित होने को लेकर मंत्री शीला मंडल ने जानकारी दी। सुनिए उन्होंने क्या कहा। देखिए आप लोग जानते हैं, हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जल जीवन हरियाली मिशन के तहत पहले हम लोग का हरित कितना था, कितना परसेंट रहता 9, उसको 17 हुआ है। उसको ठीक करने के लिए, जो पर्यावरण को ठीक करने के लिए ये सब निर्णय लिया गया है, बहुत सोच समझ के निर्णय लिया गया। और इसमें यहाँ बिहार में पटना से शुरुआत हम लोगों ने किया था, यहाँ CNG या इलेक्ट्रिक बसों का संचालन शुरू हो। इसके लिए हम लोगों ने पहले जो बस था चलता था डीजल वाला, उसको 7.5 लाख तक की राशि भी दिए थे कि इसको कन्वर्ट करने की। तो एनी टाइम इस पर हम लोग समय समय में काम करते रहे कि ताकि इस पर नियंत्रण हो सके और यहाँ जो डीजल से चल रहे गाड़ियाँ उसका बंद हो, ताकि CNG और इलेक्ट्रिक बसों को हम बढ़ावा दे सके, इसके लिए काम चल रहा है। लेकिन पटना में जितने बस स्टैंड बनाए गए हैं उससे कोई भी बस नहीं रुकती, इसके लिए विभाग जाकर देखिए। ये जो आप कह रहे हैं, ये आप लोग बता दें कि ये जो बस नहीं रुकती है, सबसे पहले तो हम लोग को दिमाग में ये बात आप लोगों ने डाला है, इस पर हम तुरंत इसको देखते हैं कि क्या मामला है, इसको ठीक करवा। बता दें कि 10 सितंबर तक डीजल बसों को हटाने को लेकर निर्देश दिया गया था, बड़ी संख्या में बसों की संख्या देख कर समय को आगे बढ़ाया गया है। स्कूल संचालकों को निर्देशित किया गया है, प्राइवेट स्कूलों के अनुरोध पर परिवहन विभाग ने फैसला लिया है। पटना से संजीव कुमार की रिपोर्ट।